लो बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको जो अभी वर्ग और वर्ग संघर्ष का विशेषताएं बता रहा था, उसमें नेक्स्ट जो वर्ग की विशेषता है वो है पांचवी, प्रतिबंधित सामाजिक संबंध। इसका मतलब है कि एक वर्ग का व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होता है वो अपने ही वर्ग के लोगों के बीच अपनी संतानों का विवाह करेगा और उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है, अन्य वर्गों के प्रति वो सामाजिक संबंध बनाना पसंद नहीं करता। जैसे अगर हम आज मैं एग्जाम्पल लूं कि एक व्यक्ति मान लीजिए उच्च वर्ग का है, करोड़पति है, ऊंची ऊंची इमारतों में रहता है, पैसे वाला है, तो वो अपनी संतान का विवाह या उसके अपने दोस्त, उसके जो रिश्तेदार होंगे वो सब अपने उच्च वर्ग के लोगों के बीच ही होंगे। वो अपनी संतान के विवाह मध्यम या निम्न वर्ग के व्यक्तियों के बीच करना पसंद नहीं करता। इसी तरह एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अपनी संतानों का विवाह वो एक उच्च या मध्यम वर्ग के लोगों के बीच नहीं करता। इस प्रकार एक वर्ग के लोगों के बीच प्रतिबंधित सामाजिक संबंध देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है छठा, मुक्त एवं स्थानांतरण। इसका मतलब है कि एक वर्ग का व्यक्ति या जो वर्ग की जो सदस्यता होती है वो बिल्कुल ओपन या मुक्त होती है। कोई भी व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। स्थानांतरण का मतलब एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आना जाना, और मुक्त का मतलब ओपन। अर्थात मान लीजिए कि मैं कहता हूं एक व्यक्ति आज एक कच्ची बस्ती में पैदा होता है, गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो वो अपने जीवन में अपनी मेहनत से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक मध्यम या एक उच्च वर्ग का व्यक्ति बन सकता है। वो कल को अपनी मेहनत से, पढ़ाई से आगे चलकर एक अच्छा टीचर, एक अच्छा डॉक्टर, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर या एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। तो इस प्रकार एक उच्च वर्ग का व्यक्ति या एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी कई बार देखने को मिलता है कि सब कुछ गंवाने के बाद वो एक बिल्कुल निम्न वर्ग का व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार वर्ग की सदस्यता जो है वो बिल्कुल मुक्त एवं स्थानांतरण वाली होती है, और कोई भी व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है। नेक्स्ट है सातवीं, वर्ग का वस्तुनिष्ठ पक्ष। वस्तुनिष्ठ पक्ष का मतलब है कि आज हम एक व्यक्ति के जीवन में वो किस वर्ग का है ये कैसे पहचानेंगे। तो हम दो चार चीजें हैं, पहला उसका निवास स्थान कि वो कहाँ रहता है। एक अच्छी बस्ती में रहता है तो वो निम्न वर्ग का है, वो एक अच्छी कॉलोनी में रह रहा है तो एक मध्यम वर्ग का है, और वो बड़ी बड़ी एक ऊंचे बंगलों में या फ्लैटों में रह रहा है, बहुत धनाढ्य है, तो वो एक अलग सा व्यक्ति दिख जाता है कि वो एक उच्च वर्ग का है। इसी प्रकार वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एजुकेशन, उसके उठने बैठने का तरीका, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देखकर हम एक व्यक्ति के वर्ग का ये जो वस्तुनिष्ठ पक्ष है इसके आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति समाज में किस वर्ग का सदस्य है। नेक्स्ट है सातवां, संबंध स्थापन। अभी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जिस वर्ग का सदस्य होगा वो उसी वर्ग के लोगों के साथ अपने संबंध बनाएगा, दूसरे वर्गों से एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। जैसे एक व्यक्ति यदि कच्ची बस्ती में रहता है, गरीब है, निम्न वर्ग का है, तो वो अपने संबंध अर्थात उसके जो दोस्त होंगे, उसके जो पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो सब उसके अपने निम्न वर्ग के होंगे। इसी तरह एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति केवल अपने मध्यम वर्ग के लोगों के बीच ही संबंध बनाना पसंद करता है, और इसी तरह एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी अपने केवल उच्च वर्ग के लोगों के बीच ही अपने संबंध बनाना पसंद करता है। तो ये इसकी नेक्स्ट विशेषता है, संबंधों का बनाना या संबंध स्थापन। नेक्स्ट है आपकी उपसंस्कृति। उपसंस्कृति का मतलब है कि वर्ग की भी अपनी एक उपसंस्कृति होती है। कैसे? एक वर्ग के लोगों की एक जैसी परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति के लोगों के साथ ही उनके व्यवहारिक संबंध होते हैं। जैसे उनका रहन-सहन, जीवन शैली, इन सब चीजों को देखकर हम उसके एक परिस्थिति समूह का अंदाजा लगा सकते हैं। मान लीजिए आज मैं कहता हूं हर वर्ग की अपनी एक उप कल्चर है। कल्चर का मतलब संस्कृति, संस्कृति का मतलब हम संस्कृति के दो चीजों में, मैंने आपको जब बताया था कि संस्कृति दो प्रकार की है, एक भौतिक एक अभौतिक। भौतिक वह है जो आंखों से दिखती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और अभौतिक जिसमें हमारे नियम, प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब हमारी मिलाकर एक संस्कृति है। तो जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक वर्ग के लोगों की अपनी एक उप संस्कृति होती है, अर्थात हमें एक वर्ग में भी
अलग-अलग प्रकार के लोग देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति के पास 10 करोड़ है, तो वो उस हिसाब से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा है। कोई मैं कहता हूँ कि 100 करोड़ का मालिक है, तो ऐसे और भी लोग होंगे दुनिया में जो 100 करोड़ से ज़्यादा के मालिक हैं। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास 15 करोड़ ही हैं, लेकिन तो भी वो उच्च वर्ग का व्यक्ति है। तो एक वर्ग में भी अलग अलग प्रकार के उप संस्कृति के लोग नजर आते हैं। इसी तरह निम्न वर्ग में भी ये देखें कि कोई व्यक्ति सुबह से शाम मेहनत करता है तो वो 200-300 रुपये रोज कमा लेता है, लेकिन वो निम्न वर्ग का ही कहलाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति है जो 50 से 100 रुपये कमा रहा है तो भी वो निम्न वर्ग का कहलाएगा। तो इस प्रकार एक वर्ग के अंदर भी हमें अलग अलग प्रकार के उप संस्कृति के लोग नजर आते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक आधारों को महत्व। इसका मतलब है कि एक वर्ग के लोगों को अगर आज हम देखें तो वर्ग के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो है आर्थिक आधार, कि व्यक्ति के जीवन में उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है। उसको संपत्ति को देखकर ही एक व्यक्ति अपना अंदाज़ा लगा लेता है कि मैं समाज में किस वर्ग का सदस्य हूँ। अगर वो बहुत पैसे वाला है तो वो एक उच्च वर्ग का है, अगर वो एक नौकरी पेशा या व्यवसाय करने वाला है तो वो एक मध्यम वर्ग का है, और अगर वो बिल्कुल मुश्किल से अपना जीविकोपार्जन कर पा रहा है तो वो एक निम्न वर्ग का सदस्य है। तो इस प्रकार आर्थिक आधार जो है वो वर्ग का प्रमुख महत्व बताते हैं। नेक्स्ट है पूर्णतया अर्जित। इसका मतलब है कि वर्ग की सदस्यता व्यक्ति की योग्यता और उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सदस्यता व्यक्ति को अपने जीवन में खुद प्राप्त करनी पड़ती है। मान लीजिए मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छी नौकरी में थे, मैंने एक अच्छे मध्यम वर्ग के परिवार में जन्म लिया, तो आज मैं अपनी मेहनत करके अपने जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मैं उच्च वर्ग का व्यक्ति बन सकता हूँ। इसी प्रकार एक निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अधिक से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में मध्यम या उच्च वर्ग का व्यक्ति बन सकता है। तो इस प्रकार वर्ग की जो सदस्यता है वो पूर्णतया अर्जित है, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपने जीवन में वर्ग की सदस्यता को प्राप्त करना पड़ता है। नेक्स्ट है वर्गों की अनिवार्यता। इसका मतलब है कि ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं इन तीन वर्गों में से किसी वर्ग का सदस्य नहीं हूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के पास उसकी प्रॉपर्टी, उसका निवास स्थान, उसकी एजुकेशन, उसका रहन-सहन, खान-पान, उसके रहने का तरीका, इन सब चीज़ों को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि व्यक्ति उच्च वर्ग का है, मध्यम का है या निम्न का है। लेकिन इन तीन वर्गों के अंदर ही अपने कोई भी व्यक्ति जीवन में बिना इन तीन वर्गों के नहीं कह सकता कि मैं इन तीनों में से किसी का सदस्य नहीं हूँ। उसकी प्रॉपर्टी या उसके रहन-सहन, निवास स्थान, उसकी एजुकेशन, इन सब चीज़ों को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो किस वर्ग का सदस्य है। नेक्स्ट है वर्गों की स्थायी विशेषताएं। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये सब चीजें वर्गों के अंदर हमेशा देखने को मिलेंगी, अर्थात उनकी स्थायी विशेषताएं कहलाती हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें तो व्यक्ति की योग्यता, उसकी एजुकेशन, उसका व्यवसाय, उसकी इनकम, उसकी धन शक्ति, ये सारी चीजें व्यक्ति की जीवन में, इन सब को देखकर हम उसकी विशेषताओं को देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि फला व्यक्ति किस वर्ग का सदस्य है। आज अगर हम देखें प्राय ये देखा जाता है कि व्यक्ति जिस वर्ग का सदस्य होता है वो दूसरे वर्ग में बहुत ही कम जाता है। जैसे एक गरीब जो है आजीवन गरीब ही रहता है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति आजीवन मध्यम में ही रहता है, और एक उच्च वर्ग का व्यक्ति अधिकतम उच्च वर्ग में ही अपना पूरा जीवन गुजार देता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हम कहें कि वो व्यक्ति फला गरीब परिवार में पैदा हुआ और वो एक मध्यम वर्ग में आ गया, या एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति बहुत जल्दी मेहनत करके एक उच्च वर्ग में आ गया। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर तो हमें यही देखने को मिलता है कि व्यक्ति का जन्म किस वर्ग में हुआ है वो आजीवन उसी वर्ग के अंदर अपना पूरा जीवन गुजारता है। तो ये वर्ग की स्थायी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है इसमें लास्ट उपवर्ग। उपवर्ग का मतलब होता है कि प्रत्येक सामाजिक वर्ग में भी हमें कुछ उपवर्ग देखने को मिलते हैं। जैसे उच्च वर्ग में भी मैंने आपको बताया कि एक समान स्तर के व्यक्ति नहीं होंगे, उसमें उच्च उच्च भी होगा, उच्च मध्यम भी होगा और उच्च निम्न भी होगा।
अब उच्च उच्च का मतलब, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि वो 10,000 करोड़ का मालिक है, तो अर्थात ऐसे दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो वैसे ही उसी प्रॉपर्टी के होंगे, तो उन सबको हम उच्च उच्च का मान लेंगे। अगर मान लो मैं कहता हूं कि कोई 500 करोड़ का मालिक है तो वो उच्च मध्यम में आ गया, और अगर मैं कहता हूं कि वो 50 करोड़ का ही मालिक है तो उच्च निम्न में आ गया। तो ये उपवर्ग कहलाते हैं, जो हमें एक वर्ग के अंदर भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। ये हुई आपको मैंने कुछ जो आज बताई वर्ग क्या है और वर्ग की विशेषताएं क्या हैं। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको इसी आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।